हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस ऑटो। आज हम गाड़ी के रिलेटेड कुछ खास बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि गाड़ी हम कौन सी कलर की लेंगे, कौन सी ब्रांड की लेंगे, गाड़ी कितनी सीसी की होनी चाहिए, गाड़ी को कलर वगैरह क्या रहेंगे। बट इन सब के बावजूद हम गाड़ी के लेने के बाद कुछ चीज़ों की वजह से बहुत सारे काफ़ी टाइम में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं इसके साथ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है, जब आप गाड़ी लेने के लिए कोई शोरूम डीलर विजिट करें तो सबसे पहले अपनी पसंद की गाड़ी पसंद करें, एक बार उनका गोडाउन विजिट करें क्योंकि ताकि आप जान सकेंगे कि आपको कौन सी कलर की गाड़ी चाहिए और जो गाड़ी आपको पसंद है आप वो चेक कीजिए। सबसे पहले गाड़ी में अपना स्क्रैचेस वगैरह चेक कर लीजिएगा, गाड़ी में अगर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, क्योंकि एक बार गाड़ी रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप खुद ही अपनी पसंद की जो गाड़ी पसंद करें वही गाड़ी आप ले, और एक बार उसका चेचिस नंबर नोट डाउन जरूर कर ले कि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि कहीं कबार थोड़ा सा मिसमैच की वजह से आप जो गाड़ी पसंद किए हो उसकी वजह से आपको कोई और गाड़ी मिल जाती है। तो इस बात चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी गाड़ी लेने और लेते समय आप अपने जो पेपर वर्क जो होता है इसको हमेशा सही तरह से कीजिएगा, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब वगैरह प्रॉपरली चेक कीजिएगा। अगर कहीं कुछ मिसमैच है तो जब ले रहे तभी उसको करेक्शन कराइए, तब वो आगे चल के आपको सही रहेगा, वरना अगर एक भी वर्ड स्पेलिंग या मिस्टेक होता है तो आगे चल के वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, जब आप गाड़ी ले रहे हैं गाड़ी के साथ में आपको जो सब मिल रहा है उसका आप एक लिस्ट बनाइए, या तो अपने जो जिससे आपकी बातचीत हो रही है उससे एक बार एक लिस्ट बनवा लीजिए कि गाड़ी के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि गाड़ी का इनवॉइस, इंश्योरेंस, सर्विस मैनुअल बुक, गाड़ी में आपका टूल किट फर्स्ट एड है कि नहीं, और एक अभी एक हेलमेट फ्री चल रहा है, काफ़ी सारे डीलर में एक हेलमेट प्रोवाइड किया जाता है शोरूम की तरफ से। तो इन चीज़ों के आपको खास करके ध्यान रखना है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको पेमेंट स्लिप आपको मिल रहा है कि नहीं, तो इन चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है जब आप गाड़ी तो ले लेते हैं बाद में आपको प्रॉब्लम उसको फेस करना। सपोज मान लीजिए कि आपने एक नई गाड़ी परचेज की और आपका गाड़ी चलाया, आप जा रहे हैं फर्स्ट सर्विसिंग करने के लिए, बट फर्स्ट सर्विसिंग में आपको सर्विस मैनुअल बुक लेके जाना पड़ता है क्योंकि उसमें कूपन रहता है, उस कूपन को शो करने से आपका सर्विसिंग फ्री होता है। और आप गाड़ी लेके सर्विस सेंटर गए, वहाँ पे गाड़ी सर्विसिंग में जब पहुँचे तब आपको पता चला कि अरे आपने तो डीलर से आपको सर्विस बुक मिला ही नहीं, फिर आपको वहाँ से वापस अपने डीलर वाला जिस शोरूम से आपने गाड़ी परचेज किया था वहाँ बोलेंगे, फिर वो आपको मैनुअल बुक इशू करेंगे, फिर आप वो मैनुअल बुक लेके सर्विस सेंटर जाएंगे, तो ये एक टाइम गैपिंग होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा कि मुझे पेपर नहीं मिला। तो इन चीज़ों का आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए ताकि आगे आपको इस तरह से किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यही था दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।